तो इसी को हम लेके चल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है और इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसी की हम बात करेंगे और आपकी पार्टिसिपेशन जो भी है वो आप दे सकते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट नेम है यू नो कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की ऊपर ही है। वैसे एनालाइज करना है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसी को एनालाइज करना है, तो उस पहले इकोनॉमी पे बात करेंगे, जो मेन मेन चीज़ें हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड पहले उसको समझते हैं, और इंशाल्लाह जब आपको ये बातें समझ में आएंगी तो हम इसको साथ एनालाइज भी करेंगे थोड़ा बहुत। माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा सुरतल ये रखिएगा कि जिनको बात करनी हो वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम अपने व्यूज दें, मगर रिलेटेड टू द टॉपिक दें और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दें, ज़्यादा उसको नहीं करना है। दूसरा ये करना है आपने कि माइक ऑन करें, जब बात हो जाए तो माइक ऑफ करना है। अच्छा, ये हमारे टॉपिक्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लास्ट में, और मैंने आपको ये स्लाइड सेंड की थी, मैंने आपको शायद जो रिकॉर्डिंग थी वो भी सेंड कर दी थी। अगर इशू हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी, जो हमने कहा था कि एक कंट्री की इम्पोर्टेंस इकोनॉमी की क्या होती है, ठीक है, ओवरव्यू हमने थोड़ा सा कर रहे थे, उसके बाद चैलेंजेस हैं और मैंने कहा था उसके सोल्यूशन हम करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा गाइडलाइन है इकॉनमी के ऊपर। अगर ये स्लाइड भी आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अच्छा, इकॉनमी जो है हमने जो थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं ज्यादा बात अब उस पर नहीं करूंगा ये, क्योंकि मैं ये बात हम कर चुके हैं कि स्टेट ऑफ आर कंट्री और रीजन, ये कुछ लोग इस वक्त आ भी रहे हैं क्लास में, स्टेट और कंट्री रीजन इन टर्म ऑफ टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, इस पर डिटेल से मैंने बात की थी, अगर कोई स्टूडेंट इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता है तो प्लीज डिस्क्राइब कर सकते हैं इस स्लाइड को। अगर कोई स्टूडेंट डिस्क्राइब करना चाहता है कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, तो हमने डिटेल से बात की थी। जी हमजा महमूद, हमजा सर दुनिया में हर जगह ना स्कार्स हैं। हमजा महमूद कौन है? हमजा महमूद, हमजा महमूद हैं ये, देखें इस तरह लॉग इन होके आपने, अगर क्लास में नहीं होंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मुदस्सर बशीर प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। हाँ मुदस्सर, थोड़ा सा इस स्लाइड को डिस्क्राइब करें जल्दी जल्दी, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। अच्छा जी, दो मिनट के लिए मैं जरा पूछ लूँ कि क्या पढ़ा है सबने। जी मुदस्सर बशीर, इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है? सर इकोनॉमी डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट रेट ऑफ एनी कंट्री। अच्छा, और मुल्क की इकोनॉमी जितनी अच्छी होगी उसमें उस मुल्क में डेवलपमेंट रेट उतना अच्छा होगा और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी हाई होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं जिससे बात करूंगा वो कोई मुझे कोई और बात बोलेंगे। नूर आरिफ, नूर आरिफ, जी सर, जी प्लीज डिस्क्राइब कीजिएगा स्लाइड, ये क्या है? इकोनॉमी हमने पढ़ा था, क्या था? जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है और कंजम्पशन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और मनी एंड सप्लाई एंड द सप्लाई ऑफ मनी, और मनी की सप्लाई की जाती है। अच्छा नूर, हमने जो पढ़ा था ना, देखिए हमने जो सामने लिखा हुआ है ना वो तो हमें पता है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमने कंसेप्चुअल बातें हमने डिस्कस की थी, आपको याद हो लास्ट क्लास की कंसेप्चुअल बातें याद हो तो। सांदल खान सर, मैं उसमें प्रेजेंट नहीं थी और मैंने ये मैंने मैडम मैंने ये आपको, अगर आप कोई भी स्टूडेंट आगे पीछे होगा, अच्छा सुन ले स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो जैसे क्लास में आपको कोई इशू हो गया नहीं अटेंड कर सके, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज उसको आप देख लिया करेंगे। और अच्छा, किसी के अटेंडेंस का मसला होगा, अगर मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई है और क्लास मिस हो गई है, तो वो आप रिकॉर्डिंग देख के
और वो लेक्चर देख के आप मुझे एक थोड़ी सी समरी भेज दिया करेंगे, मैं अपनी अटेंडेंस लगा दिया करूंगा, ठीक है? तो काइंडली इसको रिव्यू रखें जो पढ़े। अच्छा जी, सरफराज खालिद, सादन खान तो नहीं है, सरफराज खालिद। यस सर। क्या हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में? क्या पढ़ा था, इकोनॉमी होती क्या है? सर आपने बताया था कि इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। से अच्छा पहले तो ये बताएं कि इकोनॉमी होती क्या है ना। जी अच्छा जी, प्लीज देखें मैं आपको दो तीन बातें समझा रहा हूँ। जब आपकी क्लास होगी सुबह में, तो फ्राइडे को थोड़ा सा रात को आप अपनी पिछली चीजें रिवाइज कर लिया करें। जो भी आपकी क्लास होती है नेक्स्ट डे, तो उसके एक दिन पहले रात को जो है आप सोने से पहले, जब आप सोने जाते हैं तो आधा घंटा, 15 मिनट 10 मिनट, 1 घंटा आप वो फिर चीजें रिवाइज कर लें, ताकि हमें जहाँ से कनेक्शन हमने तोड़ा होता है एक हफ्ता पहले, वहीं से हमें जोड़ना होता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि हमने एक हफ्ता पहले क्या किया था, तो इसमें थोड़ा सा लर्निंग में आपको मसला होगा। तो काइंडली इसको जरा देखें। और आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मुझे अंदाज़ा है, और बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, थोड़ा सा अपने आप को मजीद बेहतर करें, ठीक है ना? क्योंकि इसमें मैं अगर जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपकी अटेंडेंस लेने के बाद, मैं आपसे 5 से 10 मिनट पिछले क्वेश्चंस करूंगा, और यही क्लास पार्टिसिपेशन होता है, इसी के नंबर होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है क्लास पार्टिसिपेशन में नहीं होता और वो कहता है जी मैं तो क्लास पार्टिसिपेशन में कोई पार्ट अदा नहीं करूंगा, आंसर नहीं कर रहा, तो ज़रा कि उसकी मार्किंग फिर उसको फिर उस तरह से नहीं होती है, प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा इसको। अच्छा जी इसको प्लीज ना करें। अच्छा साइका, साइका। यस सर। जी थोड़ा बताइएगा इकोनॉमी। The state of a country or region in terms of the production and the consumption of goods and services. मैडम ये चीजें तो हमें पता है ना, देखिए मेरी बात सुने ना, मतलब ये है कि जो चीज सामने लिखी हुई है ना वो तो हम पढ़ सकते हैं ना, जो चीज सामने लिखी हुई है उसी को अगर हम बोलेंगे तो फायदा नहीं है ना, ठीक है ना? हमने बात की थी कि अगर कोई कोई कंट्री है और उसकी जो भी उसकी प्रोडक्शन है और उससे रिलेटेड जो कंजप्शन है, ठीक है, जो भी वो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, वट एवर, चाहे वो सर्विसेज की मद में हो, चाहे वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है ना, और वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद वो कंज्यूम कर रहा है उसके लोग। सलार जिलानी बात करना चाह रहे हैं जी, रेज किया आपने हैंड, सरार जिनानी। यस सर। ठीक सर, आपने बताया था लास्ट क्लास में कि दुनिया में हर चीज प्रॉपर नहीं है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्कार्स है, कमी है कहीं ना कहीं, तो उन सबको हम मैनेज कर रहे हैं, और इन सबको मैनेज करने का नाम इकोनॉमिक्स है, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक आपने बात कही है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सलार ने जो है बहुत अच्छी बात कही है, और ठीक है, और हमने इसकी बात ये भी, हमने ये जो आपने कहा है उसको हमने इस तरह से लिया था कि आपके पास सब, क्या सबके पास घर है दुनिया में इतने लोग हैं? नहीं है ना। क्या सबके पास अच्छी जॉब है? क्या सबके पास गाड़ी है? ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में जो दूसरे के पास है, क्या हमारे पास भी है या हमारे पास है, क्या वो किसी और के पास भी है? तो नहीं है ना। तो ये बात आप जो कर रहे थे बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसी को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है। अच्छा ये जो कंजप्शन है और एक्सचेंज एक्टिविटीज है और डिटरमाइनिंग हाउ स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, जो कम रिसोर्सेज है, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं कम है, तो उसी को हमने किसी तरह से बेहतर यूज करें कि प्रोडक्टिविटी कम हो, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी ये फैक्ट्री है
और हमें फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करनी है, जो हमें एक टारगेट प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए जो हमारी जितनी लेबर चाहिए और जितनी मशीनें चाहिए और जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो कम है, वो 30% कम है, 20% कम है, 50% कम है। जैसे आपके पास बिजनेस में फंड कम है, फाइनेंशियल जो फंड है वो कम है या रिसोर्सेज कम है, मगर आपने जो भी आपके हाथ में रिसोर्सेज है या आप फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो भी रिसोर्सेज है, चले मशीनें कम है या लेबर कम, मगर आपने उसको इतना एफिशिएंटली उसको मैनेज करना है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर से बेहतर हो। तो रोने नहीं रोने हैं कि मेरे पास नहीं। अब देखें, हम जो लोग हैं, मैं और आप जैसे लोग हैं, आम से लोग हैं, ठीक है ना, तो हमें हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं, जो या हम चले बात करते हैं इनकम की बात करते हैं या पैसों की बात करते हैं, वो कम होते हैं। हमने उसी में स्टडी करनी है, उसी में घर चलाना है, उसी में फैमिली को भी रन करना है, अपने खर्चे भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात करो तो यही इकोनॉमिक्स है, यही इकोनॉमिक्स है कि किस तरह से आपने कहा कि स्कॉर्स रिसोर्सेज को बेटर से बेटर यूज किया जाए। तो प्लीज मेरा कहने का मकसद एक ये भी है, एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड भी मैं आपको कहूंगा कि मोटिवेट रहे लाइफ में, जो अवेलेबिलिटी है उसी के ऊपर इन्हिसार करते हुए बेहतर प्रोड्यूस करें। ये ना कहें कि यार काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। सर, पूरी दुनिया के पास जो लोग हैं, हमने पढ़ा, आपने खुद बताया मुझे कि रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है। जैसे बिजली, मैंने कहा था जितनी बिजली होनी चाहिए बिजली भी नहीं है, ठीक है, जितना पानी होना चाहिए साफ पानी भी सबको नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो इसी चीज को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है। और किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्शन होती है इससे रिलेटेड और जो कंजप्शन होती है, जाहिर है कि जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी कंजप्शन शायद ना हो। अच्छा देखिए, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं, मुझे आपने खुद अभी बता रहे हैं कि कुछ डेवलप कंट्रीज होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है, कंजप्शन कम होती है। तो उससे क्या होता है, अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और कंजप्शन कम होगी तो आपके पास फिर क्या होगा, जी सर, एक्सपोर्ट मिल जाएगा हमें, क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। प्लीज इस बातों को समझे, इफ यू हैव योर प्रोडक्शन इज मोर देन कंजप्शन सो यू कैन इम्प्रूव योर एक्सपोर्ट। वाई, हाउ, किस तरह से आप ये बात कह सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजप्शन कम है। देखें ये जो सब्जेक्ट है ये समझने से आएगा, डिस्कस करने से आएगा, प्लीज ये ख्याल रखिएगा। ये कोई फॉर्मूले वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको सर, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जैसे मुल्क में प्रोडक्शन अगर ज्यादा है और वो जो आवाम मिल रही है प्रोडक्शन जो तकसीम हो रही है हर किसी के पास, अगर वो फुलफिल हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रह जाएगी उससे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो इसी तरह इकोनॉमी ज्यादा बेहतर हो। और अगर आपकी प्रोडक्शन कम है और कंजप्शन ज्यादा है, इसको आप, इफ आपने ये बात कर दी, ठीक है, अगर ये बिल्कुल उलट हो जाता है, अपोजिट हो जाती है सिचुएशन कि आपकी कंजप्शन, योर कंजप्शन इज मोर देन प्रोडक्शन, फिर क्या होगा, जी सर, हम इंपोर्ट करें, फिर हमें इंपोर्ट करना होगा। इसमें कंट्री का फायदा है या नहीं है, इंपोर्ट में फायदा है, एक्सपोर्ट में फायदा है? सर इंपोर्ट में इकोनॉमी डाउन हो जाती है और नुकसान होता है मुल्क को, क्योंकि आपको फिर वो जो सामान ले रहे हैं बाहर से उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो प्रोडक्शन है या तो वो इक्वल हो कंजप्शन के या वो ज्यादा हो कंजप्शन के, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। नेहा आप बात कर सकती हैं। अच्छा देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो रिलेटिव बात करना चाह रहा है वो बात कर सकता है। प्रोडक्शन, जी
नहीं सर, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं, उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर अच्छा अच्छा हाँ, ये प्लीज मुझे याद करा दिया करें, क्योंकि असल में मैं आपके साथ, हाँ जी ये सफिया बानो, ठीक है जी, हाँ बस याद करा दिया करें। अच्छा ठीक है जी। अच्छा अगर आपकी, अच्छा ये देखें, अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है कंजप्शन से, तो आपकी कम से कम आप इक्वल हो सके, ठीक है, तो ये 10 मिनट्स के बाद ये आपकी जो है ये हो जाएगा, मीटिंग एंड होगी। अच्छा ये प्लीज आप बात करने के बाद माइक ऑफ कर लें। ये माइक ऑफ कर लें। सर मैं ये कह रहा था कि बैलेंस इंपोर्ट हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस खराब हो जाता है, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक जितने हो रहे हैं तो बैलेंस सही रहता है। नहीं ये तो मिनिमम कंडीशन है ना कि आपकी इक्वलिटी इक्वल हो, कि जितना हमने कमा रहे हैं उतना ही खर्चा हो। अगर हम ज्यादा कमाएंगे फॉर एग्जांपल, तो हमारी वो क्या होगा, आप उसको क्या करेंगे, आपकी सेविंग तरफ जाएगा ना, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा ना। सरप्लस जो प्रोडक्शन है, देखें जो सरप्लस प्रोडक्शन होगी वो आपके आपके रिजर्व्स को बढ़ाएगी ना। किसी कंट्री के जो रिजर्व्स होते हैं वही उसकी इकोनॉमी है ना। अगर आप आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें और आपको ज्यादा फायदा हो रहा है ना, आपकी कंजम्पशन कम है और आप प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। जब आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। और अगर आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, अगर आपकी प्रोडक्शन कम है तो आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, तो आपके रिजर्व्स कम होते हैं, इवन कि फिर आपके रिजर्व्स क्या होते हैं, जीरो पे चले जाते हैं और माइनस में जाते हैं। फिर वो कंट्री जो है वो कर्जा लेता है बाहर से और वो कर्जा पे चल रहा होता है, ठीक है ना। और जब कर्जे पे चल रहा होता है तो फिर जाहिर है कि फिर आपको पता ही है, फिर सुरतान मुझे तो इस पर ज़रा बोलने की जरूरत नहीं है कि कर्जा अगर अगर लेके चलते हैं तो फिर क्या सुरतान होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्लीज़ आप उसको बिल्कुल डीप जाके इसमें इन्वॉल्व होकर इन बातों को समझें, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज़ समझिए इस बात को, समझते नहीं समझते। अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने यही बातें की हैं कि एक्सचेंज एक्टिविटीज़ जो हैं और डिटरमाइनिंग हाउ स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना। अच्छा एलोकेट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी रिसोर्स को प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज़ करना, या आपके जो जो भी फाइनेंशियल, जैसे आप आमतौर पर कहते हैं कि फाइनेंशियल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या आपके फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज होती हैं उसको इन्वेस्ट करना प्रॉपरली। एलोकेशन बेसिकली की टर्मोलॉजीज जो है वो डिफरेंट सेंस में डिफरेंट जगह पे हो सकती है, मगर आमतौर पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कारोबार करते हैं, तो उस कारोबार में आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें पैसा आप इन्वेस्ट लगा रहे होते हैं, उसमें आप अपना, जैसे स्कूल, चले जी एक स्कूल ओपन करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी रिसोर्सेज हम वहाँ पे पुट कर रहे होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को पुट करने को ही हम कहते हैं एलोकेट करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी। अच्छा अब ये जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यही है कि जितने भी आपकी कंट्री के अंदर गुड, अच्छा गुड्स क्या कहते हैं, सामान्य तजारत को या कोई भी, उसको जो है प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो लोग हैं उनको उससे मुस्तफिद किया जाता है, ठीक है ना, और उसी से आपकी इकोनॉमी जो है फिर क्या होता है, बूस्ट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटीज जो होती है उससे वो बूस्ट होती है। तो ये हमने सारी बातें लास्ट क्लास में की थी। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि काइंडली स्लाइड्स को देखें, लेक्चर की वीडियो को सुने, और एक दिन पहले ये सारी चीज़ें करके आएंगे। मैं आप सबसे क्वेश्चन किया करूँगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स और आपके मामला खराब हो सकते हैं। क्लास में आपको इन्वॉल्व होना होगा। अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ी बात की थी कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक मिनट के लिए मुझे कोई बता दे, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक चल रहा हूँ। इकोनॉमी, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो भाई उससे क्या फायदा होगा वहां के लोगों को, कोई फायदा होगा, नहीं होगा ना। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो वहां के लोगों को क्या फायदा होगा। जी बोले जी सर, करेंसी वैल्यूएबल होगी। नहीं तो लोगों को क्या फायदा होगा, लाइफ कंफर्टेबल होगी। अच्छा
लोगों को ये फायदा होगा कि बेरोजगारी और कम होगी तो वो भी इजी रहेंगे, उनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को मैं आसान करता हूँ। आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है? आपकी सैलरी अगर 50,000 है और अगर वो 1 लाख हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना कोई फर्क। कोई फर्क पड़ेगा सर? फर्क पड़ेगा। अच्छा 2 लाख हो जाए तो? अगर 2 लाख हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ेगा। 3 लाख हो जाए तो और पड़ेगा? यानी जिस जिस तरह से आपकी कंट्री डेवलप होती है, सुने जी, आपकी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है, वहां के लोगों के का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होता है। बात समझ आ रही है? अगर किसी कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो उसको अपने बजट में डिफरेंट जो उसकी स्कीम्स होती हैं, प्लान्स होते हैं, वहाँ एलोकेट करती है ना। आपकी जो कंट्री का जो बजट होता है वहां पे वो पैसा जो है डिफरेंट चीजों में लगाया जाता है। तो अगर आपके पास पैसा कम होगा तो वो कम एलोकेट होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा एलोकेट होगा। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, उनके लोगों की जब आप देखते हैं मेरी जिंदगी और अपने आप को देखते हैं तो आप थोड़ा सा फील करते हैं कि जी उनमें बेहतरी है, मामला बेहतर है। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इफ जैसे जैसे आपकी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी, आप लोगों का मियारी ज़िंदगी बेहतर होगा। आपकी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटियाँ होंगी, और सहूलतें होंगी, और रोड बनेंगे, और ब्रिज बनेंगे, और इंडस्ट्री डेवलप होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हम ने जो है बेसिकली ये बातें भी डिस्कस कर ली थी। हम अब चलते हैं आगे, तो इस पे बाद में वो मजीद हम बात करनी हो तो कर लेंगे। और मैंने इस पे क्वेश्चन भी किया था कि हमें क्या जरूरत है कि अगर हमें बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका मिले पाकिस्तान में, तो हम बाहर की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जाएंगे, या मुझे अगर जॉब की ऑफर हो बाहर से तो मैं बाहर जाना पसंद क्यों करूंगा? क्योंकि वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मुझे वहां के हिसाब से पैसे मिलेंगे, वहां के हिसाब से सहूलतें मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग है। अच्छा, पाकिस्तान जब बना तो हमने ये बातें भी थोड़ी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान 26 इस वक्त जो है द इकॉनमी पाकिस्तान 26 लार्जेस्ट द वर्ल्ड है परचेजिंग पावर के हिसाब से, और 44 जो है लार्जेस्ट है वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। अच्छा, जीडीपी जो है अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम उसको फिर बाद में इसको रखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्शन आपकी होती है पूरे साल की, उस हिसाब से उसका एक ग्रोथ निकाली जाती है उस कंट्री की, और ये चीज़ें होती हैं। उसको हम बाद में, आपने पढ़ा तो होगा, उसको हम बाद में टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अगर आप कहते हैं तो हम एक व्यू ले रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी का। इन 1947 पाकिस्तान हैड 30 मिलियन पीपल विद पर कैपिटल इनकम। अच्छा, कैपिटल इनकम भी मैंने डिस्कस किया था कि कैपिटल इनकम क्या होता है। जी, कैपिटल इनकम जो है, अच्छा जी, मैं जिससे क्वेश्चन किया करूँ प्लीज वही मुझे आंसर दिया करें। मोइज महमूद, कैपिटल इनकम क्या होता है? हेलो, अगर आप क्लास में मुझे रिस्पांस नहीं करेंगे, मैं आपका नाम पुकारता रहूंगा, तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये ख्याल रखिएगा प्लीज। बुरा ना मानिएगा इस बात को। आपने सिर्फ लॉगिन कर दिया और लॉगिन करके आप कहीं और चले गए और क्लास में नहीं है, तो भाई मुझे तो आपको नजर नहीं आ रहे ना, तो मैं फिर आपकी एब्सेंट लगाऊंगा, ये ख्याल रखिएगा प्लीज। मोइज, आप कहाँ पे हैं? छोटा पीर, आपको आवाज आ रही है? छोटा पीर, सांदल खान, सांदल आपको आवाज आ रही है? सांदल जी, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम क्या का क्या मतलब है सर? पर कैपिटल इनकम जो है हम जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी डिवाइड
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जीडीपी जो है कितने वो पॉपुलेशन पे सर स्पेंड होती है, सर ये होता पर पर्सन कितनी स्पेंड हो रही है हमारी। अच्छा